इसलिए मैंने कहा कि तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है मातों। अपनी वेशभूषा ऐसी रखो कि लोग आपका दर्शन करें, आपको प्रणाम करें। अपना भोजन, अपनी वाणी, अपना चिंतन, अपना चाल चलन, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, भोजन करने का ढंग, बैठने उठने का ढंग, ये सब ऐसा रखो कि लोग तुम्हारा प्रदर्शन नहीं, तुम्हारा दर्शन किया करें। आज नारी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, उसका दर्शन नहीं हो रहा। आधे शरीर, आधे अंगों को दिखा करके वो क्या साबित करना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, बहुत सुंदर हैं। यहां पर कभी रूप की सुंदरता नहीं मान्य हुई, यहां तो व्यक्ति के गुणों की और चरित्र की सुंदरता महान होती है। पर आज वो पर्दे की चीज को पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गई। जो छुपने वाली चीज है वो दिखा दी, जो पर्दे की चीज को पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। क्या दिखाना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? लोग तुम्हें देखें, तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, तुम्हें प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रखें? अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, अपना चिंतन ऐसा बनाओ कि लोग जहां से निकलो तुम्हारा दर्शन करने के लिए आंखें उनकी नीचे झुक जाए।